तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इजी टू लर्न में। फ्रेंड्स, आज हम एक और नया गणित का लेसन प्लान लेकर आए हैं। और हर बार देखो, लेसन प्लान में वही 9 पॉइंट्स पूरे करने हैं, तो आप एक बार इसको समझें कि किस तरह से हमें इन नए पॉइंट को, 9 पॉइंटों को नए सब्जेक्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ कैसे कंप्लीट करना है। जैसे पहला है कॉन्सेप्टिंग एरिया, अवधारणा का क्षेत्र। हमारे लिए आज का टॉपिक है किसी भी आकृति के परिमाप और क्षेत्रफल को समझना और परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र निकालना। मतलब हमें इसका फॉर्मूला भी ड्राइव करना है बच्चों से ही। चलिए देखेंगे, ये हमारा टॉपिक है जिस फील्ड में हमें बच्चों को स्ट्रांग बनाना है। पाठ का नाम और क्रमांक है पाठ 7, क्षेत्रमिति। पेडागॉजिकल प्रक्रिया और गतिविधियाँ, अब इसमें हमें देखना है कौन सी वो मेथड्स हो सकती है जिससे बच्चा ये फील करे कि परिमाप और क्षेत्रफल का अनुपात। देखें, दैनिक जीवन में हम उदाहरण के द्वारा किसी आकृति के परिमाप और क्षेत्रफल की समझ को विकसित कर सकते हैं ना। जैसे हम लोग अब उसको जो आपके एक्चुअल में, वास्तविक में जो आसपास की जो वस्तुएं दिख रही है उससे रिलेट करने का प्रयास करेंगे। समान एक आयताकार टेबल कवर के चारों ओर एक किनारी गोट लगाना चाहती है, उसे कितनी लंबी किनारी खरीदनी चाहिए? बच्चों से उत्तर निकलवाएं और बताएं कि टेबल के कवर के चारों किनारों की लंबाई का योग ही परिमाप होता है, ये समझाएं उसे। इसी प्रकार अन्य उदाहरण की सहायता से भी हम परिमाप की अवधारणा का विकास कर सकते हैं। परिमाप एक ऐसी दूरी है जो रेखाखंडों के साथ साथ, अर्थात परिसीमा के अनुदिश चलते हुए एक बंद आकृति बनाती है। जब आप उस आकृति के चारों तरफ एक पूरा चक्कर लगाते हैं तो आप उसे ऐसा करते हुए बता भी सकते हैं ना। कोई टेबल के चारों तरफ आप चल के बता सकते हैं, कोई फीता लगा सकते हैं। पेडागॉजिकल प्रक्रिया में क्षेत्रफल की समझ विकसित करने के लिए हम टेबल पर कॉपी, किताब या डस्टर रख सकते हैं। बातचीत करें कि किस वस्तु ने ज़्यादा क्षेत्रफल घेरा है, फिर बताएं कि बंद आकृति द्वारा घेरे गए तल के परिणाम को उसके क्षेत्रफल कहते हैं ना। उसका एरिया यानी बीच वाला जो पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। जियो बोर्ड पर भी हम इसकी गतिविधि को द्वारा समझा सकते हैं। आयत का परिमाप ज्ञात करने के लिए सूत्र कैसे निकालेंगे, तो जमीन पर एक आयत बनाए और उसके शीर्ष बिंदु ABCD पहले तो बनाए। और आप किसी बच्चे को खड़े होने को कहे और बच्चों से पूछे कि इस आकृति का परिमाप निकालने के लिए क्या करना होगा, तो बच्चों द्वारा उत्तर निकलवाएं कि ए से प्रारंभ करके परिसीमा के अनुदिश चलते हुए बिंदु ए पर ही हमें वापस तय की गई दूरी इस आयत के परिमाप होगी, है ना। मतलब उसके चारों तरफ जितनी दूरी कवर की जाएंगी वही क्या होगी, इसकी परिमाप होगी। फिर बताएं परिमाप बराबर से आयत की सभी भुजाओं की मापों का योग। जैसे हमने 4 भुजा मापे हैं तो ABBCCD, है ना, और लंबाई चौड़ाई, फिर लंबाई चौड़ाई उसको हम लोग बोल सकते हैं 2 गुणित लंबाई 2 गुणित चौड़ाई, यानी 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है। तो यही गतिविधि जो है अलग अलग आकार के आयत हेतु भी हम करा सकते हैं। बच्चों की सहभागिता जरूर इसमें सुनिश्चित करें और आयत का परिमाप बराबर से 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, इसी प्रकार से गतिविधि कराते हुए वर्ग, समबाहु, त्रिभुज के परिमाप हेतु सूत्र निकलवाएं। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आप सूत्र कैसे निकालते देखें। आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए नीचे तालिका में भी हम कुछ मेजरमेंट भी ग्राफ पेपर में भर सकते हैं, यानी 1/1 सेंटीमीटर के कुछ कार्ड बनवाएं। जब आयत की परिसीमा के अंदर वर्गों की संख्या को गिनकर उसका क्षेत्रफल लिखने को कहे, क्रमांक, लंबाई और चौड़ाई, क्षेत्रफल को बच्चों से निष्कर्ष निकलवाए कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई की, इसी प्रकार की गतिविधि द्वारा वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र निकलवाएं। यही गतिविधि जियो बोर्ड पर भी हम करा सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि यहाँ पर ये ट्राइंगल्स का, ये स्क्वायर का, रेक्टेंगल्स का, है ना, पेंटागोन का, इस तरह से हम अलग अलग चित्रों के लिए ये सब फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया कि ये जो TLM है, TLM इस टाइप के हम कार्डबोर्ड ला सकते हैं और बच्चों से उनको दिखाने के लिए कह सकते हैं। ये हमारा अनुमानित समय है कालखंड 5, ठीक है, ये 5th पार्ट है। और लर्निंग इंडिकेटर्स में हम देखेंगे कि बच्चे क्या कर पाते हैं, तो विद्यार्थी अपने तरीकों से विभिन्न आकृतियों का परिमाप निकाल सकते हैं। आयात, वर्ग आदि के परिमाप का सूत्र निकाल सकते हैं। विद्यार्थी आयात और वर्ग को 2 छोटी छोटी उचित इकाइयों में बांटकर उनका क्षेत्रफल निकालने की रणनीति बनाते हैं।
मूल्यांकन हेतु गतिविधियां एवं प्रश्न नीचे दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात करो, या हम उसको होमवर्क में भी दे सकते हैं या करवा भी सकते हैं। सामने आयत की लंबाई 21 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर है तो क्षेत्रफल याद करो, किसी वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल याद करो। हम बच्चों से एक क्रियाकलाप भी एक्टिविटी भी करा सकते हैं, खेलना जैसे कितने बच्चों को पसंद है 45 को, कहानी पुस्तक पढ़ना कितने को पसंद है तो 30 को, टीवी देखना 20 को, टीवी सुनना 10 को, पेंटिंग 15 को। एक इकाई लंबाई 5 विद्यार्थियों का पैमाना लेकर एक दंडालेख भी बना सकते हैं और खेलने के अतिरिक्त कौन सा क्रियाकलाप अधिकांश विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया जाता है, इस टाइप की भी हम एक्टिविटी करा सकते हैं। घर के किसी आयताकार या वर्गाकार या फोटो फ्रेम का परिमाप ज्ञात करने के लिए हम बोल सकते हैं घर में, है ना, और कक्षा के फर्ज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम भी बोल सकते हैं। ये होमवर्क होगा, मतलब बच्चा स्वयं से करके देखेगा। तो उसका देखो यहाँ पर आप लोग बच्चों से बहुत सारी एक्टिविटी में, जैसे मैंने बताया कि जन्मदिन है, आप अपने बच्चों को, क्लास में बच्चे हैं तो उनमें से पूछो कि किस बच्चे का किस महीने बर्थडे आता है, तो उससे पूछो कि जनवरी में कितने बच्चे हैं का बर्थडे आता है, इस तरह से दिसंबर तक देखेंगे। उससे हम एक ग्राफ बनाना भी सीख सकते हैं। लर्निंग आउटकम में हम विद्यार्थी परिवेश में उपलब्ध चतुर्भुज आकार वस्तुओं का परिमाप क्षेत्रफल निकालते हैं, जैसे फर्श पर, कक्षा का चौक का, बॉक्स का तल वगैरह। तो फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट वाला लर्निंग आउटकम था। हमारा वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। तो इंतज़ार करते हैं नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू वेरी मच।